अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तकरीबन कल से एक वीडियो सर्कुलेट करी है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। खातून है जिसको दो पुलिस फीमेल कॉन्स्टेबल्स हैं जिन्होंने पकड़ रखा है इस खातून को, एक ने एक बाजू से और दूसरी पुलिस फीमेल कॉन्स्टेबल ने दूसरे बाजू से, और वो उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और वो मुसलसल चीख रही है कि अल्लाह ताला इनको बर्बाद करेगा, मैं रोज़े से हूँ, मुझे जलील कर रहे हैं ये लोग, और वो इस तरह की बातें कर रही है और जज को भी बुरा भला कह रही है, अपने शोहर को भी। अब ये जब मामला सामने आया तो इसका इंटरव्यू भी किया गया, इसके वालिद भी सामने आए। ये इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स हैं। आजकल हमारे माशरे में फैमिली सिस्टम इतना ज़्यादा तबाह हो गया है, और चाहे खातून हो या मर्द हो, एहसास नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप में एहसास बिल्कुल ज़िंदा ही नहीं है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है आप कर क्या रहे हैं। अब इस केस में ही देखें, ये श्रीलंकन खातून है, इसकी शादी 2016 में होती है पाकिस्तानी लड़के से, पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है। अब वो खातून श्रीलंकन, ये खातून बताती है कि इसके पास एक 70cc मोटर बाइक तक भी नहीं थी। वो कहते हैं कि हमें इन्होंने फंसाया, मेरे वालिद को फंसाया। असल में बेसिकली इस खातून के जो वालिद हैं वो भी पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वालदा श्रीलंका से ही हैं। वो कहती हैं कि वालिद ने मेरी शादी करवाई यहाँ पाकिस्तान में। 2016 में शादी होने के बाद 2021 में इनकी डिवोर्स भी हो गई, इनकी तलाक हुई। उसके बाद होता ये है कि फैसलाबाद से इसके शोहर ने इसके दो बच्चों को, जिसकी दोनों ही बेटे हैं, एक की उम्र 5 साल और दूसरे की 6 साल है, उनको अपने साथ ही वो ले गया। पहले तो अगवा कर लिया, फिर अदालत में पेश किया, तो अदालत में वो कहती हैं बग़ैर सुने ही मेरे बच्चों को वालिद के हवाले कर दिया गया। असूलन अगर देखा जाए तो 7 साल तक तकरीबन बेटे की कस्टडी वालदा के पास होती है, और वैसे भी देखा जाए तो वालदा जिस तरह से अपने औलाद की परवरिश कर सकती है, उस तरह से वालिद नहीं कर सकता। दूसरा ये कि अगर वालिद को कस्टडी चाहिए भी होती है तो अच्छा खासा प्रूव करना पड़ता है कि किन ग्राउंड्स पे लगता है कि खातून के पास उसका बच्चा नहीं होना चाहिए। कि अगर वो उसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं कर रही, मेडिकली वो बच्चे का ख्याल नहीं रख रही, उसको अगर वो बीमार है या कोई भी मसले मसाइल हैं, या रिलीजियसली उसका मज़हब जो है वो किसी और मज़हब की तरफ जा रहा है, अगर उसका मज़हब इस्लाम है तो इस तरह से मुख्तलिफ ग्राउंड्स है, वो प्रूव करने के बाद ही इन केस, इसी केस में ही फिर मुश्किल से कस्टडी हैंडओवर की जाती है, वो भी तब अगर बच्चा भी कहे तो कि मैंने जाना है। अब ये सारे मामलात हुए, ये खातून कहती हैं कि इस शख्स ने, जिसका नाम अली हसन है, मेरे शोहर का नाम, वो बताती है इस श्रीलंकन खातून ये बताती है कि मेरे शोहर का नाम अली हसन है, और इसने मेरे बच्चों को उठाया, अपने साथ ले गया, अदालत में पेश किया। जज ने ये कह दिया कि ये वालिद के साथ ही जाए। जज ने अच्छे खासे मुबैना तौर पर वो कहती हैं कि पैसे रिश्वत ले रखी है। अब ये खातून बिल्कुल आपे से बाहर होती है। मैं इनकी ऑडियो आपको सुनवाती हूँ, वीडियो ही है, वीडियो दिखा नहीं सकती, ऑडियो को सुना देती हूँ, बाकी जो हिस्सा होगा कोशिश करूँगी मैं इंस्टाग्राम पे जाके यूट्यूब वीडियोज़ का जो सेक्शन है वहाँ पे अपलोड कर दूँ तमाम वीडियो को। अब ये खातून और इसका वालिद होता है, ये बिल्कुल आपे से बाहर होती है, मीडिया इनसे बात करना चाह रही होती है, लेकिन ये मीडिया को यही कहती है कि इस टाइम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे क्या कहना चाहिए। वालिद फिर आके बताते हैं कि इस तरह से मामला हुआ, बच्चे की कस्टडी ले ली गई है। ये खातून बताती हैं कि इतना ये लोग जुल्म करते थे, मेरा जो शोहर था ये आए रोज़ यही कहता था कि अपने वालदैन से पैसे लेकर आओ, कभी मेरा मोबाइल गुम हो चुका है, या कभी मेरी वालदा को ज़रूरत है या मुझे ज़रूरत है पैसे, और इस वजह से ये पैसे जो थे ये मुझसे बटोरता था, और जब मैं पैसे नहीं लेकर जाती थी तो ये मुझे मारता पीटता था। ये एक और वाक्य भी बताती है खातून, ये कहती हैं कि जब साफ़ी हजरात जो हैं वो पूछते हैं कि आपकी अलहदगी क्यों हुई और कब हुई, ये खातून बताती हैं कि इस खातून की उम्र भी आप देखें तो 32 से 33 साल उम्र है, इतना कोई बड़ी उम्र नहीं है इस खातून की, लड़की ही है ये। ये नौजवान खातून ये बताती है कि मेरे जो देवर था, तकरीबन 20 साल उसकी उम्र है, वो कहती है कि एक दिन मैं एक्सपेक्टेड थी और एक दिन इसने वेपर उठा के मुझे इतना मारा कि जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई। तो उसी दिन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी, और अपने बच्चों को लेके मैं अपने वालदैन के पास चली गई। वालिद ने भी गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने यही बात की कि जब दामाद ही ऐसा है, शादी इस वजह से की जाती है कि तमाम जो खर्चा होगा मेंटेनेंस का, ये जो भी होगा नानो नफका, वो शोहर ही उठाएगा, शोहर के ज़िम्मे होगा, लेकिन जब शोहर ही खर्चा भी खुद मांगता है कि हमें, मुझे भी खर्चा दो और मेरी फैमिली को भी, आए रोज़ अगर खर्चा ना दिया जाए तो मारपीट करते हैं, तो फ़ायदा नहीं है। जब हमने खुद से ही अपनी बेटी का सारी चीज़ों का खर्च उठाना है तो बेहतर यही है कि वो हमारे पास ही रहे। अब ये खातून इंतहाई गम से निढाल थी, रोज़े से थी, वालिद ने भी आके गुफ्तगू की, मरियम नवाज से ये लोग, मरियम नवाज से अपील करती रहीं, और मरियम नवाज को भी इस वाक्य पर नोटिस लेना चाहिए, देखना चाहिए इसमें क्या ग्राउंड्स हैं, क्या चीज़ें हैं,
और उस बिना पे इस खातून के जो बच्चे हैं उनको हैंड ओवर करने चाहिए। ये खातून ये भी कहते हैं कि बच्चों को इतना ज़्यादा डराया धमकाया हुआ है कि बच्चों को वॉशरूम में ये मेरा जो शोहर है बंद कर देता है। और इस शोहर ने ये मज़ीद ये चीज़ बताती है, उसके बाद मैं आपको इसकी ऑडियो सुनवाती हूँ, कुछ ऑडियो का हिस्सा। ये खातून कहती है कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली, इसका वहाँ से औलाद भी है, बेटी है। वो कहती है कि मैं दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से मैंने नहीं की। 5 साल एक बच्चे की उम्र है और 6 साल दूसरे बच्चे की उम्र है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स हैं। पता नहीं हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, फैमिली सिस्टम इतना तबाह हो गया है। लोग अपनी बेटियों की शादी करते हुए कुछ 10,000 बार सोचते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन इस खातून की ऑडियो सुने, वीडियो है ये, वीडियो दिखा नहीं सकती मैं, ऑडियो ही सुन लें आप कुछ हिस्सा उसका। ये कुछ वीडियो है इस खातून की, तकरीबन 10 से 12 मिनट लंबा इसका इंटरव्यू भी है। और इस ये खातून पूरा बता रही है किस तरह से इसके बच्चों के साथ जुल्म किया जाता रहा, इसके साथ जुल्म किया जाता रहा। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, इस पर नोटिस लेना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को, इस खातून के बच्चे वापस इसको दिलवाने चाहिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना ख्याल रखें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज़।